खबर इंदौर से, जहां लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोपी उम्मीद ने पहले अपना नाम राहुल बताकर नाबालिग से दोस्ती की और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन की बात सुनते ही पीड़िता को उसकी असलियत का पता चला। पीड़िता शादी से इनकार करती रही और इस बात ने आरोपी ने उसे कई बार पीटा भी। फिलहाल शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टीआई संजय शर्मा के मुताबिक नाबालिग ने शांति नगर में रहने वाले उम्मीद के खिलाफ शिकायत की है। लड़की के मुताबिक आरोपी उसी इलाके में रहता है। मार्च 2021 में उसकी दोस्ती उससे हुई थी। इस दौरान लड़की ने अपना मोबाइल नंबर आरोपी को दे दिया था। दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ समय के बाद उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते लड़की के परिवार ने उसे मामा के घर भेज दिया था। वहीं लगातार आरोपी उसके परिवार को परेशान करता रहा। जब लड़की 2 दिन पहले घर पहुंची तो वह उसके घर आ गया। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इस मामले में परिवार ने हिंदुवादी संगठन के सदस्यों को जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोपी उमेद खान पर पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।